अगर आप SIP करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मौका आ रहा है। सारे फंड्स अपना NFO लेके आ रहे हैं। अब जिनको नहीं पता है कि NFO क्या होते हैं, उन्हें एक क्विक रीकैप दे देते हैं। जब शेयर मार्केट में कोई नई कंपनी आती है तो वो पहले अपना IPO लेके बाजार में आती है। उसी तरह जब कोई नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है तो पहले अपना NFO लेके आता है, ताकि लोग उसमें पहले से कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकें। इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है मिराए एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF का। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका सब्सक्रिप्शन 21 फरवरी को खत्म होगा। इसे ₹5,000 से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। स्कीम का 95% से 100% हिस्सा सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा। इसका परफॉर्मेंस निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। फिर आता है कोटक का टेक्नोलॉजी फंड। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इस स्कीम के तहत टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स में निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन 26 फरवरी को खत्म होगा। निवेश का उद्देश्य पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म में लाभ पैदा करना है। इसमें ₹100 से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। स्कीम का 80% से 100% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा। फिर आता है यूनियन बिजनेस साइकिल फंड। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इस स्कीम में बिजनेस साइकिल पर आधारित इन्वेस्टमेंट थीम का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन 13 से 27 फरवरी तक खुला रहेगा। इसमें ₹100 से निवेश की शुरुआत की जा सकेगी। फिर आता है भाई एडलवाइस का टेक्नोलॉजी फंड। अब ये भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस स्कीम के तहत टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में निवेश पर खास तरीके से नजर डाली जाएगी। इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो 14 से 28 फरवरी तक चलेगा। स्कीम का निवेश उद्देश्य पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म लाभ पैदा करना है। इसमें ₹100 से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। स्कीम का 80% से 100% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश करने पर ही होगा। फिर आता है बड़ौदा का BNP प्रभास इनोवेशन फंड। एक ओपन एंडेड स्कीम है ये भी। इस स्कीम के तहत इनोवेशन थीम में निवेश किया जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन 14 से 18 फरवरी तक ही खुला रहेगा। इस स्कीम में 80% हिस्सा इनोवेशन से लाभ लेने वाली कंपनियों पर लगाया जाएगा। ये पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म में लाभ दिलाने का दावा करती है। इसमें ₹1,000 से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फंड्स थे जिनके NFO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में काफी अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। याद रहे कि हम आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहे, बस निवेश की जानकारी दे रहे हैं। ऐसी ही और काम की वीडियोस के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव देखते रहें।